जोमेटो के कर्मचारी उतरे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। हड़ताल की वजह से ऑनलाइन खाना मंगाने वालों को हो रही है भारी दिक्कत। बीते दो दिन से जोमेटो के कर्मचारी हड़ताल पर है, जिसकी वजह से ऑनलाइन खाना मंगाने वाले शौकीन लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में कर्मचारियों का कहना है कि ये हड़ताल तब तक चलेगी जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि जोमेटो के कर्मचारियों की अपने टीएल से बातचीत हुई है, मगर उसका कोई हल नहीं निकला है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पिकअप का पर्याप्त पैसा मिले। पहले उन्हें पिकअप के समय प्रति एक किलोमीटर का पेट्रोल भत्ता ₹10 मिलता था, जो अब ₹5 कर दिया गया है। जोमेटो के इन कर्मचारियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत हर रोज बढ़ती है, मगर डिलीवरी चार्जेस घटते जा रहे हैं। पेट्रोल भत्ता का रेट भी अनियमित है। सुबह ये 3 किलोमीटर पर ₹28 देते हैं, दोपहर को 20 और शाम को ₹32 देते हैं। दिन की कड़ी धूप, रात के अंधेरे और ट्रैफिक की मार के बीच ये कर्मचारी दिन रात अपनी सेवाएं देते हैं, मगर इनका शोषण हो रहा है। इन कर्मचारियों की मांग है कि प्रति किमी इन्हें ₹10 पेट्रोल भत्ता और मिनिमम ऑर्डर पर ₹35 दिए जाएं, तभी उनका जीवन यापन ठीक से हो सकेगा। अब देखना ये है कि जोमेटो के अधिकारी कब तक इन कर्मचारियों की मांग पूरी करते हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होती, लोगों को खुद ही चलकर अपना खाना लाना पड़ेगा। निहाल नाम है मेरा, निहाल। क्या समस्या है, आप लोग क्यों जमा हुए हैं? सर, एक हम लोग को क्या है, पिकअप का पैसा मिलता नहीं। 1 किलोमीटर का ऊपर का जो हमको 5-5 किलोमीटर का दूर से बुलाते हैं, उसका पिकअप का पैसा मिलता नहीं है सर। वो समस्या है। और पर किलोमीटर पे जो मिलता था पैसा, वो बहुत कम मिल रहा है। तो पर किलोमीटर पे हमको ₹10 चाहिए पर किलोमीटर, और मिनिमम ऑर्डर पे ₹35 चाहिए, और पिकअप का पैसा चाहिए। 1 किलोमीटर का ऊपर का ऑर्डर होगा, उसका पिकअप का पैसा चाहिए सर। यही हमारी समस्या है, क्योंकि पेट्रोल तो हर चीज़ में लगता है सर, और पिकअप का पैसा ये देते नहीं है। 7-7 किलोमीटर पिकअप का दूर का बुलाते ऑर्डर, उसका पैसा मिलता नहीं है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को पर किलोमीटर क्या हिसाब से दिया जाता है? उसमें कोई फिक्स ही नहीं है सर। सुबह में अलग देते हैं, सुबह में 3 किलोमीटर का देंगे ₹28, दोपहर में देंगे ₹20। कोई फिक्स नहीं है सर। शाम को दे देंगे 3 किलोमीटर का ₹32, 10 किलोमीटर का तो दे देते हैं ₹40, ₹35। उसमें पेट्रोल का क्या बचेगा सर? हमारे लोगों की क्या मांग है? हमारी यही मांग है सर कि हमको पिकअप का पैसा मिले। 1 किलोमीटर के ऊपर का पिकअप है, उसका पैसा चाहिए, और पर किलोमीटर ₹10 चाहिए। वो डिलीवरी का जो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हैं, मिनिमम ऑर्डर तो ₹35 है, जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा चलते हैं जो किलोमीटर, उसका एक्स्ट्रा मतलब ₹10 चाहिए पर किलोमीटर। ये हमारी मांग है। आप लोगों ने जोमेटो कंपनी में किसी प्रकार की कंप्लेंट की इस विषय को लेकर? कंप्लेंट किया था सर, टीएल को बुलाया था, टीएल से बात भी हुई, वो आए थे बर्गर किंग पे, वहाँ पे मीटिंग हुई, बातचीत हुई। टीएल तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते। पहले बात तो उनको फ़ोन लगाओ, शाम को लगाओ या सुबह लगाओ, वो हमेशा मतलब रिस्पॉन्स तो देते ही नहीं है। वो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और कल जो आए वो वहाँ पे तो थोड़ा झगड़ा भी हो गया हमारे बीच में, मतलब थोड़ा बातचीत में झगड़ा हो गया। फिर वो शाम को पुलिस भी लेके आ गए, मतलब हमारे खिलाफ। तो और इस समय आप लोग जो जोमेटो के कार्यकर्ता हैं, वो कार्यरत हैं या फिर हड़ताल पे हैं? लोगों को डिलीवरी देना बंद कर दिए? नहीं, सब अभी हड़ताल पे ही हैं, हड़ताल पे, स्ट्राइक पे। कितने दिन तक आप लोग ये स्ट्राइक करोगे? अभी आज तो 2 दिन हो गया सर। जब तक हमारा सोल्यूशन नहीं मिलता, हमको जो हमारा हक है वो नहीं मिलता, जब तक हम लगे रहेंगे सर। इंदर मिश्रा, क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या सर सब कुछ है। जो रेट था वो देते नहीं हैं, परिवार कैसे जियाएं, सब कुछ कैसे करें, कोई मतलब नहीं है। पेट्रोल का रेट रोज बढ़ता है, ये रोज रेट घटाते हैं, कैसे जिए बताओ आप। आप लोगों ने स्ट्राइक कितने दिनों से की है? 2 दिन से किया है सर। ये स्ट्राइक कब तक चलेगी आप लोगों की? पता नहीं, जब तक सोल्यूशन निकलेगा तब तक चलेगी, मांगे पूरी होंगी तब तक चलेंगे सर। खबरों में बने रहने के लिए K29 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।